إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा के लिए जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि मक्के में दाखिल होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनते ही सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा की अदायगी के शौक़ में बेचैन हो गए। चुनाचे माह ज़िलक़ादा 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ उम्रा करने के लिए रवाना हुए और हुदैबिया पहुँच कर क़याम फरमाया। खराश बिन उमैया खुज़ाई को कुरैश मक्का के पास भेजा कि हम सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा करने आए हैं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है। मगर अहल मक्का ने बदसलूकी करते हुए उनके ऊंट को मार दिया और वो मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़रिए उनके पास पैगाम भेजा तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, तुम अगर तवाफ़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हरगिज़ तवाफ़ नहीं करूँगा। तो कुरैश मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर इस साल मक्का में दाखिल नहीं हो सकते और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को नज़रबंद कर दिया। उधर मुसलमानों में उनके कत्ल की खबर मशहूर कर दी गई तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हु मजमाइन से बैयत ली। इस बैयत को बैयत रिजवान कहा जाता है। सुलह हुदैबिया। हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा के जज्बात और उम्रे की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ अमन मुआहदे की गुफ्तगू के लिए सुहेल बिन अमर को कासिद बनाकर भेजा। बिल आखिर गुफ्तगू के बाद दोनों फरीक 10 साल तक चंद शर्तों पर सुलह करने पर राज़ी हो गए। नंबर एक, मुसलमान इस साल उम्रा अदा किए बगैर मदीना वापस चले जाएं। नंबर दो, मुसलमान अगले साल उम्रा अदा करेंगे लेकिन मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेंगे। नंबर तीन, मुसलमान मक्के में हथियार नहीं लाएंगे, उनके पास सिर्फ तलवारें होंगी और वो भी नियाम में रहेंगी। नंबर चार, अहले मदीना मक्के में रहने वाले मुसलमानों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे और अगर कोई मुसलमान मक्के में रहना चाहे तो उसको नहीं रोकेंगे। नंबर पाँच, अहले मक्का में से कोई मदीना चला जाए तो मुसलमान उसे वापस करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का वापस आ जाए तो मुशरिकीन उसे वापस नहीं करेंगे। नंबर छः, 10 साल तक फरीक़ैन में लड़ाई बंद रहेगी। और नंबर सात, अरब कबाइल को किसी भी फरीक के साथ मुआहदा करने का इख्तियार होगा। इस तरह मुसलमानों ने दबकर सुलह की। मुसलमानों को अजीम फतह की खुशखबरी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुदैबिया की सुलह और मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को क़ुरबानी करने और सर मुंडवाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म सहाबा इकराम पर बहुत दुश्वार गुजरा।
बिलआखिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हालात को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया और कहा आप ही सर मुंडवा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए सर मुंडवा लिया। ये देखकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने भी इस पर अमल किया। 3 रोज़ हुदैबिया में क़याम करके सहाबा इकराम के साथ वापसी के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह की आयत नाजिल हुई कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुली हुई फतह अता फरमाई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो इस माहदे की शर्तों को अपने लिए बेइज्जती का सबब समझ रहे थे, इन आयतों के नाजिल होने के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गए। इस माहदे की वजह से कुफार मक्का कारोबार के लिए मदीना आते जाते तो वो मुसलमानों के अखलाक, नेकी, इखलास और मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते। इस हुस्न सलूक की वजह से खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के साथ बेशुमार लोगों ने सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। अलगर्ज़ इस माहदे से इस्लाम के आगे बढ़ने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई।